ताकत उसकी, दहशत उसकी, पहुंच चारों दिशाओं में बैठे उसके गुंडों की वजह से है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल, जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्येदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम्बपुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिचि की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिचि ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिचि मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिचि मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिचि ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिचि की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकू से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजायन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम्पुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है, वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे ये वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते है। केरल के घने कुटुम पुजा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते है। केरल के घने कुटुम पुजा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और सजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और सजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदू भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम्पुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदू भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदू भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम्पुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम्पुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुड्डुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और सजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुड्डुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजायन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदू भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुट्टुमपुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदू भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजायन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदू भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुट्टुमपुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे ये वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण के अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिचि की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिचि ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिचि मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिचि मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिचि ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे ये वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण के अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिचि की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकू से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजायन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम्पुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है, वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते है। केरल के घने कुटुम पुजा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते है। केरल के घने कुटुम पुजा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और सजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और सजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदू भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुट्टुमपुझा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदू भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदू भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुट्टुमपुझा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण के अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम्पुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुड्डुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और सजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुड्डुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहां भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिचि मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिचि मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिचि ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिचि की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिचि ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहां भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिचि मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिचि मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिचि ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजायन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदू भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुट्टुमपुझा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदू भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजायन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदू भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुट्टुमपुझा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम्पुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण के अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिचि की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिचि ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिचि मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिचि मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिचि ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण के अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिचि की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुडुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकू से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सजायन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम्पुज़ा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है, वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और
तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे ये वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते है। केरल के घने कुटुम पुजा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के हैं, वो अपने संवाद उसी में बोलते हैं। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और संजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते है। केरल के घने कुटुम पुजा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण
ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और सजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है। जंगल जानवर और जज्बात डॉक्यूमेंट्री जैसी लगती है रिची मेहता की इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम के बाद फिल्म मेकर रिची मेहता पोचर वेब सीरीज लेकर आए हैं, जो प्राइम वीडियो पर आ गई है। रिची ने इस बार हाथी दांत के लिए हाथियों के अवैध शिकार को कहानी का आधार बनाया है। 8 एपिसोड्स की सीरीज पोचर क्राइम के साथ थ्रिलर और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। सीरीज शिकारियों और तस्करी के धंधे की पूरी चेन को विस्तार से कवर करती है, जिससे यह वास्तविकता के करीब रहती है। अपने लालच के लिए इंसान किस तरह जंगलों में घुसकर प्रकृति को तबाह कर रहा है, पोचर इसका संदेश देती है। सीरीज प्रमुख रूप से मलयालम भाषा में है, मगर बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी के साथ बंगाली भाषा का भी संवादों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सीरीज हिंदी के साथ दक्षिण की अन्य भाषाओं में भी स्ट्रीम की जा सकती है। सीरीज की कहानी 2015 के कालखंड वाइल्ड लाइफ एक्ट की रोशनी में बुनी गई है। शुरुआत अरुकु से होती है, जो हाथी का शिकार करने वाली टीम में शामिल था, मगर अपराबोध के कारण वो अथॉरिटीज के सामने अपना कबूल करता है और हाथी दांत की तस्करी के रैकेट का खुलासा करता है, जिससे कुछ प्रभावशाली लोग भी जुड़े होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट अधिकारियों की टीम इसकी जांच में जुटती है। जंगल और जानवरों को केंद्र में रखकर कई कहानियां दिखाई जाती रही है। प्राइम वीडियो पर कुछ साल पहले आई विद्या बालन की फिल्म शेरनी जंगल और जानवरों के बीच घटते रिहायशी इलाकों के मुद्दा उठाती है और सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान ने जानवरों की जगह पर अतिक्रमण किया है। रिची की सीरीज पोचर जंगल जानवर और जज्बात के खंभों पर टिकी हुई है। इसकी सबसे ताकत इसका लेखन ही है, जिसे तीनों प्रमुख कलाकार निमिषा सज्जयन, रोशन मैथ्यू और दिव्यदु भट्टाचार्य का पूरा साथ मिला है। सीरीज के हर एपिसोड का शीर्षक द कन्फेसर, द क्रूसेडर, द स्केप अगोट, द ब्लाइंड आई, द किडनैपिंग, द जंगल, द बिग फिश और द ग्रे वायर्ड इसकी कहानी का संकेत देता है। जंगल और सरकारी दफ्तरों के दृश्य वास्तविक लगते हैं। केरल के घने कुटुम पुज्जा जंगलों की लोकेशन और सीरीज को लेकर की गई रिसर्च के कारण ये एक डॉक्यूमेंट्री के एहसास देती है, मगर इससे सीरीज के एंटरटेनमेंट पर असर नहीं पड़ा है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेशन का रोमांच बढ़ता है। कलाकार जिस भाषा के है वो अपने संवाद उसी में बोलते है। पोचर से आलिया भट्ट बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। आलिया का नाम सीरीज को एक ग्लैमर टच देता है, मगर नैरेटिव इससे अछूता रहता है, जो पोचर की सबसे बड़ी खूबी है। अपने काम के लिए समर्पित और सजीदा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर माला जोगी के किरदार को निमिषा ने जीवित कर दिया है। यह किरदार केरल वन विभाग के DCF मनु सत्यन से प्रेरित है, जिन्होंने हाथी दांत के तस्करों के रैकेट को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा एक्सपर्ट एलन जोसेफ के रोल में एलन जोसेफ के किरदार में रोशन मैथ्यू ने विश्वसनीय परफॉर्मेंस दी है। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड डायरेक्टर नील बैनर्जी के रोल में दिव्यदु भट्टाचार्य पूरी तरह उतर गए हैं। सहयोगी कलाकारों ने भी अपनी सदी हुई परफॉर्मेंस से प्रभावित किया है। रिची ने कलाकारों की परफॉर्मेंसेज को यथासंभव वास्तविकता के नजदीक रखा है। दिल्ली क्राइम की तरह यहाँ भी महिला कलाकारों को उभरने का पूरा मौका मिला है।